और हमारे पास में रहता है गन, और हम देखते हैं कहाँ से जाना चाहिए, तो हमारे को ये दिखता है यार, तो हम यहाँ पे पंच मार देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद में सीधा हम जाते हैं बाहर। बाहर आने के हम देखते हैं तो ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, तो ये बंदे को हम ऐसे देखते हैं यार, ओ भाई पिछवाड़े में गोली मारना पड़ेगा। ओ यार नेम चुक गया, कोई बात नहीं यार, गन रिलोड कर लेते हैं। रिलोड करने के बाद में इसको खोपड़ी में मार देते हैं और इसको फिनिश कर देते हैं, और फिनिश करने के बाद में चलते हैं आगे की तरफ में यार। तो हम देखते हैं, हमारे को डर भी लग रहा है, कोई बात नहीं यार, तो देखते हैं गन हम रिलोड कर लेते हैं हमारे पास में, और देखते हैं यहाँ पे कोई आएगा तो नहीं। हमारे को ऐसा लगता है यार कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा ऐसा लगता है वहाँ से। अरे भाई वहाँ से तो बंदा आ रहा है, वो दिख रहा है वहाँ पे, वो छोटा सा पिद्दा सा लग रहा है, वो फिर से मेरे पास में आ रहा है। कोई तो बंदा है लगता है शायद यार, वो भाई आ रहा है पास में, वो मेरे को मार दिया, वो भाई मेरे सर के बाल इसने काट के रख दिया, वो भाई मेरे बाल काटा है, मेरे को दिमाग ख़राब हो गया, तो मैंने इसको खोपड़ी मार के उसको फिनिश कर दिया हूँ। इसको फिनिश करने के बाद में यहाँ पे से मैं चलता हूँ आगे की तरफ, आगे की तरफ चल कर देखता हूँ यार, मेरे को बहुत गुस्सा आता है यार कि इस बंदे ने हाला मेरे को ऐसा मारा, अच्छा होगा थोड़ा बच गया यार, मैंने तो हाला मेरे को ऐसा मारा था ये बंदे ने कि भाई मेरा बाल ही भाई का आधा काट के रख दिया इसने, भाई ऐसा मारा था यार उसने, थोड़ा सा बच गया यार मैं। और हमारे को जाता है गुस्सा, और गुस्सा आने के बाद में हम आ जाते हैं दरवाजे के पास में, और यहाँ से हम क्या पंच मारते हैं हमारा गुस्सा शांत करने के लिए।